स्टार्ट करी थी सुबह से नाश्ता वगैरह कर लिया था सब कुछ। अब जो है डस्टिंग करने लगी थी और ड्राइंग रूम की। यहाँ पे मैंने हसन को साथ कहा कि हेल्प करें, क्योंकि ये अच्छा होता है कि बच्चों को साथ अपने लगाएं। और यहाँ पे वो कह रहा था कि जो मैंने कर लिया जल्दी जल्दी। ये है कि जो दूसरे मेरे सोफे हैं उन पे तो मैंने कपड़ा रखा हुआ है तो वो उनकी डस्ट नहीं होती। टेबल्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा डस्ट, और जो सोफे हैं आंटी लोगों के उन पे बहुत ज़्यादा जो है डस्ट होती है। उसके बाद जी खाने वगैरह करना था, और इसके अलावा जो है मैंने आज कॉल करनी थी डॉक्टर के लिए कि वो आए हैं या नहीं, फिर अगर आए होंगे तो फिर मैं जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। जी आज का ब्लॉग जो है स्टार्ट कर चुकी हूँ, एज यू ऑल नो कि मैं पहले कर लेती हूँ और इंट्रो बाद में शूट करती हूँ। आज जो है मैंने डॉक्टर के पास जाना है, और मैंने कॉल की क्योंकि वो गए हुए थे आई थिंक वेकेशंस पे आउट ऑफ कंट्री। मैंने कॉल की तो आज पता चला कि अचानक से जो है, कल भी मैंने की थी लेकिन नहीं आए थे, आज की है तो आज वो वापस आ गए हैं और आज जो है क्लिनिक उन्होंने आना है। अभी जो है जाना है, डिसाइड हुआ है, और उसके बाद जो है खाना वगैरह जो है करके जाना है, और उसके बाद जो है देखते हैं क्या रूटीन होगी, आप लोगों से शेयर करूँगी। और क्या मतलब, क्योंकि अब जो है ना सर्वाइकल पेन जो है थोड़ा सा मेरा आप लोग कह सकते हैं 1% जो है थोड़ा फ़र्क पड़ा है, लेकिन जो मेरे बाजू हैं ना उनकी वेंस इस तरह लगती है जैसे मतलब बिल्कुल सो गई हैं या सुन हो गई हैं। मुझे ये भी दिखाना था, और मेडिसिन वगैरह सारी ख़त्म हुई हुई थी और वो लेनी थी। स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपने क्या करना, चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जी रूम की वाली अलमारियाँ भी जो है मैं साफ़ करी थी, कबर्ड्स वगैरह, क्योंकि इन पे भी डस्ट पड़ जाती है तो ये डेली तो होती नहीं है साफ़, तो इसलिए जो है आज मैंने सोचा कि इनको भी करती हूँ साफ़। और ये देखिए साफ़ कर ली थी, और यहाँ पे जो है मैं रेडी हो चुकी थी अबाया पहना। रेडी किया मतलब अबाया पहना था, और इस गर्मी में अबाया पहनना इज़ लाइक के आप आग में, लेकिन फिर बंदा कहता है कि जल्दी में यही सही है। अजलान को भी लेके जा रहे थे साथ, हसन भी साथ था, और मैंने उमेर को कहा था कम्मी की तरफ छोड़ दें तो वो कह रहे थे कि नहीं लेके चलते हैं। अभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे और देखते हैं कितना रश होता है, क्योंकि इन डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा देर बैठना पड़ता है। यहाँ से हम जो है जाएंगे और देखेंगे, क्योंकि मेरी जो है मेडिसिन वगैरह ख़त्म हुई हुई थी, और इसके अलावा मैंने चेक कराना था मेरी वेंस, बाजू की वेंस का जो है ऐसे लगता है ना बाजू मेरे सुन सुन है। यहाँ पर जी हम लोगों ने लिया और उसके बाद जो है टोकन लिया, और उसके बाद जो है वेट करने के लिए बैठ गई थी मैं। उसके बाद जो है डॉक्टर ने कहा कि आप जो है वेंस का टेस्ट दोबारा रिपीट कराएं, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल होता है, उस पर आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक टाइप होता है वो मिलता है वेंस को चेक करने के लिए। उसके बाद जो है मैंने कहा कि बच्चों को हसन कब से कह रहा था पार्क लेके जाएं पार्क लेके जाएं, तो मैंने कहा ले जाते हैं आज, रास्ते में ही आता है तो वो इसलिए जो है वापसी पे है, हसन को पार्क लेके गए। ये जी अजलान भी है, और ये माशाल्लाह से दोनों बड़े खुश थे। अजलान भी अब मतलब पहले तो कभी भी नहीं आया, सब ये अब थोड़ा सा वो चीज़ों को नोट करता है, देखता है तो खुश होता है। ये जी मौसम ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह हल्की हल्की ना हवा चल रही थी, तो इसलिए जो है इतनी गर्मी नहीं लग रही थी। ये है हसन। हसन जो है बड़ा एक्साइटेड होता है, क्योंकि इसको मतलब जू वगैरह में जाना, एनिमल्स वगैरह से इसको बड़ा जो है अटैचमेंट होती है कि मैं देखूँ ये वाला मंकी देखूँ, उसके बाद हाइनो एंड जो है क्या कहते हैं उसे डायनासोर, इसका फेवरेट है। यहाँ पर मंकी इसको देख रहा था। बच्चों का यही होता है, मतलब यही चीज़ होती है, यही लाइफ होती है, वो देखते हैं। माशाल्लाह प्लीज़ ज़रूर बोलिएगा। यहाँ पे जो है ये मंकीज को देख रहे थे, और उसके बाद मतलब कह रहा था कि कहीं उधर जाना है भूत बंगला वाली साइड पे, फिर उसके बाद स्लाइड्स इसको बड़े पसंद है, यहाँ पे बियर थे यहाँ पे ये देख रहा था। और ये मतलब अयू पार्क में हम लोग आए हुए थे, यही हमारे घर के पास है, अयू पार्क हो गया, जना पार्क हो गया या जॉयलैंड हो गया, ये जू है तो इसलिए हम इधर ही आते हैं। और यहाँ पे जो है ये स्लाइड ले रहा है, इसको स्लाइड बड़ी अच्छी लगती है, बार बार ले रहा था। और यहाँ पे हमने अजलान को भी बिठाया मैंने, अजलान जो है ये, और माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और पहले मतलब मैं अजलान को दिखाती नहीं थी, अब जो है आपको अजलान की थोड़ी थोड़ी वीडियोस आपको नज़र आती होंगी। जी अभी जो है इनको एनिमल्स दिखा रहे थे, और मतलब काफ़ी दफ़ा व्लॉग्स में मैंने ये वीडियोस डाल चुकी हूँ, लेकिन ये बड़े प्यारे सी जो थी डियर्स थी और बड़ी क्यूट लग रही थी, इनको कोई बिस्किट खिला रहा था वो खा रही थी मज़े से। उसके बाद आगे जो है हम लोग जा रहे थे, हसन कह रहा था भूत बंगले में, वो वैसे ही बाहर से देखता है ना तो उसको होता है कि पता नहीं क्या चीज़ है, और हम इतनी दफ़ा कहते हैं कि मतलब अंदर चलोगे नहीं जाता, इवन कि हम राइड्स के लिए भी कहते हैं ना इसको, ये मतलब नहीं लेता राइड्स, वो भी वो वाली लेनी है जिस पर मामा बैठेंगे या बाबा बैठेंगे, वरना ये बिल्कुल भी नहीं लेगा।
सो अभी जो है ऊपर ही जा रहे थे भूत बंगला वाली साइड पे, और ये है जी भूत बंगला। और यहाँ पे हसन जो है बाहर से देखता है क्योंकि इसको ना हॉरर चीज़ें वगैरह वो भी देखता रहता है, तो इसको होता है कि मतलब मैं देखूँ, लेकिन अंदर जाने के लिए जब हमने कहा ना क्योंकि आवाज़ें आ रही होती है ना, तो फिर कहता है कि नहीं अंदर नहीं जाना। सो बाहर से देख के थोड़ा सा डर गया था, तो ये बता रहा था मुझे कि ये मामा जो है मैं देखता हूँ उधर शॉर्ट्स बच्चे देखते हैं ना, वहाँ पर डिफरेंट जो है चीज़ें आ रही होती हैं। सो ये है जी यू पार्क, काफ़ी पुराना पार्क है, बहुत लोगों को पता ही होगा। सो उसके बाद जी अभी हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, और यहाँ पे जी अजलान ये भी देख रहा था और सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था। यहाँ पे मैं हसन को कह रही थी कि राइड लो, और ये कह रहा था कि पानी वाली जो जगह है, लाइक जहाँ पे जो है बच्चों की जो है वो रखी होती हैं राइड्स वगैरह, वो कह रहा था कि यहाँ जाना है, तो यहाँ पर तो कोई था नहीं, बंद पड़ा हुआ था। यही कोई आधा घंटा हमने शायद इधर रहे होंगे पार्क में, क्योंकि देख दाख के ना वापस हम लोग वापस आ गए थे। तो यही था कि बच्चों को मतलब थोड़ी सी आउटिंग होनी चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि ये कब से पीछे लगा हुआ था, 2-3 हफ्तों से ये कह रहा था कि जाना है जाना है, लेके चले बाबा के पीछे। तो आज जो है टाइम मिला, क्योंकि डॉक्टर के पास जहाँ गए थे हम वहाँ पर वापसी पे रास्ते में आ रहा था, तो इसलिए जो है फिर हम हो आए। इसके अलावा जी अभी हम वापस जा रहे हैं घर, और ये जी जगह जो है इतना प्यारा जो है सनसेट हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ। और इसके अलावा जी डॉक्टर ने मेडिसिन्स दी हैं काफ़ी, और इसके अलावा एक्सरसाइजेस वगैरह बताई हैं। सर्वाइकल इशू ऐसा है ना कि मतलब आपको ऑन एंड ऑफ होता रहता है, और मतलब जैसे मुझे मेरे जो फर्स्ट डॉक्टर थे न्यूरोसर्जन हार्ट इंटरनेशनल के, उन्होंने कहा था कि आप अगर स्ट्रेस लेंगी और टेंशन होगा या कुछ होगा तो आपको एकदम से जो है स्टिफनेस होगी, जो आपके पट्टे होते हैं ना पट्टे वो खिंच जाते हैं, इन शॉर्ट अगर बताया जाए। उसके बाद अम्मी के घर आए हैं, और यहाँ पे जी माशाल्लाह माशाल्लाह अंगूर लगे हुए थे और पके हुए हैं, तो कह रही थी कि तोड़ के ले जाओ अपने लिए भी और अपने ससुराल वालों के लिए भी। यहाँ पे मैं तोड़ रहे थे, और मैंने कहा था कि मतलब ज़्यादा नहीं तोड़ने, जो अभी के लिए खाने हैं ना वो तोड़ते हैं, क्योंकि बाद में ले जाएंगे फिर ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पे जी हम लोग लेके आ रहे थे, और माशाल्लाह मतलब इतनी खुशी होती है ना मुझे, मुझे तो बहुत खुशी होती है कि मैंने ये पौधा लगाया और इससे माशाल्लाह इतना ज़्यादा फ्रूट लगा हुआ है इस दफ़ा। पिछली दफ़ा नहीं लगा था क्योंकि इन्होंने काट दिए थे टहनियाँ वगैरह। अभी जो है हमने उतारे हैं और अंगूर, और उसके बाद जो अभी वापस घर जाएंगे, और पानी भी भरना था इसलिए। ये घर आई हूँ, और ये मैं जो है निकाल के जो है दे रही थी आंटी लोगों को, और जो है आधे हसन लोगों के लिए रखे थे। ये जी मेडिसिंस हैं जो डॉक्टर ने मुझे दी हैं, और ये कहा है कि ये खानी है और 6 हफ्तों के लिए दी है। और आजकल जो है मेरा मसला स्टार्ट हुआ हुआ है वेंस का, मतलब मेरे हाथ जो है ना हाथ और बाजू सुन्न हो जाते हैं। एनीवेज 2 साल से जो है ये चीज़ मेरे साथ चल रही है। और एनीवेज ये था जी आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।